नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फ्रंट। मैं हूं डॉक्टर के के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मेरे साथ में शैलजा है, शोमा है। शैलजा एक सवाल पूछना चाहती है। डॉक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, लेकिन जब मैं जाती हूँ डॉक्टर साहब, जैसे आपके पास भी आई तो मुझे बताया गया कि मेरे को एंजाइटी है और डिप्रेशन है, बट मैं खुद अपने आप को पेशेंट नहीं समझती। मतलब मैं नहीं समझती कि आई एम डिप्रेस्ड मोमेंट। सो अगर आपके मन में एक दुविधा है कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं है, ऐसे ही दुविधा अर्जुन के मन में भी आई थी कि मैं अपने लड़ाई लड़ूं कि नहीं लड़ूं, तो कृष्ण के पास गया और कृष्ण ने उसकी काउंसलिंग करी। आपके मन में इस वक्त में यह विचार है कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हार्ट की प्रॉब्लम दो प्रकार की होती है। एक होती है ऑर्गेनिक, के अंदर से कोई बीमारी है, वो सारे टेस्ट करके पता लग जाता है कि अंदर से कोई बीमारी नहीं है। अगर अंदर से बीमारी नहीं है तो कई बार ये सोच से भी हार्ट की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाता है। सो अंडरलाइन डिप्रेशन विद एंजाइटी। अब ये डिप्रेशन क्यों होता है ये भी समझिए। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, ध्यायातो विषया नपुंसा संगस्तो शुजायते संगात संगायते कामात कामात क्रोधो विजायते। जब भी आपकी डिजायर्स फुलफिल नहीं होंगी तो एंगर आएगा। एंगर कैन बी एंगर इन एंगर आउट। अगर आप गुस्से को पी गए और बाहर नहीं निकाला तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो एक गिल्ट, एक प्रकार का एंगर आपके अंदर घुसा रहेगा, वो आगे जाके डिप्रेशन कर सकता है और फिर जब वो बात याद आएगी एंजाइटी की तरह बाहर निकल सकता है। तो डिप्रेशन एंड एंजाइटी ओनली मीन्स कि आपको बार बार बात करनी है। नॉर्मली हम कहते हैं ऐसे लोग 18 बार अगर डॉक्टर से बात करें और हर बार ही टॉपिक डिफरेंट हो तो कभी ना कभी अंदर के जो भावनाएं हैं वो बाहर निकल आती हैं। अगर मान लीजिए आप कहते हो मेरे अंदर में ऐसी कोई भावना नहीं है, डेफिनेटली देन वी विल कीप कंटिन्यूइंग टेस्टिंग कि हो सकता है कोई बीमारी आज की डेट में पकड़ में ना आ रही हो, आगे जाके पकड़ में आए। तो इस वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिविंग इन द प्रेजेंट। अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हो अपने प्रेजेंट में, जहां हो उसको कंसंट्रेट करो, देखो सामने कौन है, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से बोलो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से टेस्ट करो, ध्यान से स्मेल करो। अगर हर चीज में अगर आप ध्यान लगाते हो तो फिर ना पास्ट में हो ना फ्यूचर में हो, तो आपको एंजाइटी के एपिसोड्स नहीं आएंगे। अगर ये ऑर्गेनिक डिसीज है तो सोते वक्त में भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एंजाइटी के अटैक्स अनलेस ड्रीम्स में आए रात में नहीं आते, तो इस तरीके से आपको पता लग सकता है। तो आपकी सिचुएशन में क्या होता है ये बताइए। मेरा जैसे हार्ट रेट बहुत बड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सीधा सोऊंगी तो मुझे कुछ इनअप्रोप्रिएट हार्ट रेट का मतलब होता है कि अगर आपका हार्ट रेट रूटीन दिल में एवरेज 90 से ज्यादा है और कभी कभी वो 100 से ज्यादा हो जाता है, इसको इनअप्रोप्रिएट हार्ट रेट बोलते हैं। यस, अगर ऐसा होता है और नहीं ठीक होता तो प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, उससे भी ठीक नहीं होता तो थोड़ी सी दवाई दी जा सकती है। थैंक यू।